वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड मास्टर वोकैब इंग्लिश गुरु में। सो गाइस, सीटेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास टाइम ऑलरेडी कम है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं आपको कुछ टॉपिक्स करवा रहा हूँ, MCQs भी करवा रहा हूँ और साथ साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी साथ करवा रहा हूँ। सो गाइस, लास्ट क्लास जो मैंने दी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि पता होना चाहिए सबसे पहले तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के हिसाब से पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ढूंढते कैसे हैं। सब्जेक्ट मिलेगा तो ही तो अपने उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट देख पाएंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट ढूंढते कैसे हैं। देखिए जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे हम ढूंढते हैं। तो आज तक हमने यही सुना हुआ है कि जो रियल सब्जेक्ट होता है, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, वो होता है कि कर्ता, यानी क्रिया को जो करता है, जो सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये डेफिनेशन करेक्ट पूरी नहीं है, कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। ये डेफिनेशन जो है ये सूट करती है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो डूअर होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिस पर एक्शन होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, ना कि डूअर। और नॉन एक्शन सेंटेंस में तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, उसके अंदर सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है, जिसकी बात हो रही है। तो देखते हैं फटाफट ये बातें कैसे सच होती हैं, क्या होता है और इससे हमें क्या हेल्प मिलने वाली है। देखिए सॉरी, देखिए एक एग्जांपल। अ गर्ल हैज किडनैप्ड सम चिल्ड्रन, एक लड़की ने कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया। देखिए अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो उसकी एक ही निशानी है, बीई प्लस वी थ्री। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो उसके अंदर एक ये निशानी आपको 100% मिलेगी। और बीई का मतलब क्या होता है, बीई का मतलब बीई से हो सकता है, बीई का मतलब इज एम आर से हो सकता है, वाज वर बीइंग। तो अगर आपको इज एम आर वाज वर बी बीइंग अगर ये दिख जाए और इनके साथ अगर आपको वी थ्री दिख जाए तो समझ लो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो अभी यहां हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, हमें यहां पे वी थ्री जरूर दिख रहा है लेकिन अभी हमें यहां पे इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा, बीई की कोई फॉर्म नहीं दिख रही। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब इस सेंटेंस के अंदर मीनिंग क्या है कि एक लड़की ने किडनैप कर लिया कुछ बच्चों को, तो किडनैप करने की जो क्रिया, जो एक्शन हो रहा है वो एक लड़की कर रही है, यानी ये इस सेंटेंस में डूअर है। और ये डूअर हमारा कैसा है, सिंगुलर, ये डूअर हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आ रही है ये भी सिंगुलर है, इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आ रही है ये भी सिंगुलर है। तो डेफिनेटली बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। इसका मतलब यहां पे ये जो हैज है ये डेफिनेटली गर्ल के लिए ही आया होगा, क्योंकि चिल्ड्रन तो डेफिनेटली डूअर हो नहीं सकते, यानी चिल्ड्रन वैसे भी ये डूअर नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, तो इसके लिए तो वर्ब अगर आती तो एग्रीमेंट भी सेट नहीं बैठता। तो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहां पे ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के अंदर जो डूअर होता है अल्टीमेटली वही सब्जेक्ट बनता है। और क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है अ गर्ल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, इसका मतलब सिंगुलर, वर्ब भी क्या आ रही है, सिंगुलर। एक्टिव वॉइस के अंदर जो डूअर होता है, जो क्रिया को करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, वही सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। अभी जो मैंने निशानी आपको बताई पहले, वो देखते हैं यहां काम कर रही है क्या। देखिए इस सेंटेंस के अंदर हाँ एक चीज, उसमें बीई की एक फॉर्म रह गई थी बीन, ठीक है, बी की एक फॉर्म रह गई थी, ठीक है, किडनैप्ड वी थ्री आ रहा है और इसके साथ एक बीन आ रहा है। एक सेकंड दोबारा लिख लो,
be के अंदर be is m r, ये ऐसे लिखना चाहिए दरअसल, ये सारी की सारी तो है v1 forms, उसके बाद was और were ये हैं v2 forms, और been है v3 form, और being है v1 plus ing form. जो being होती है वो v1 plus ing form होती है, ठीक है, वो v1 plus ing form है. तो यहां पे हमें been भी दिखाई दे गया, यानी ये अल्टीमेटली be की फॉर्म है, और हमें साथ में v3 भी दिखाई दे रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये गारंटी हो गई. अब इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस वही है, थोड़ा चेंज हो गया कि कुछ बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं एक लड़की के द्वारा. तो किडनैप करने वाला काम अभी लड़की ही कर रही है, सेंटेंस में डूअर यही है, क्रिया यही कर रही है, और ये बच्चे हैं, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये रिसीवर है, इन पे क्रिया हो रही है. तो हालांकि इन पे क्रिया हो रही है, फिर भी ये क्या बने हुए हैं, ये सब्जेक्ट बने हुए हैं, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में. तो इसका मतलब अगर हमारा ये सेंटेंस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जो ये सम चिल्ड्रन में चिल्ड्रन हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो इसका मतलब वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, देखो आ रही है, हैव आया, प्लूरल है. चलिए जी, अब मेन बात यही है कि सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो, सेंटेंस चाहे पैसिव वॉइस में हो, वर्ब ने सब्जेक्ट के हिसाब से आना है. तो सब्जेक्ट है कहाँ, कौन है सब्जेक्ट की, हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है. जैसे हमने कहा कि वर्ब सब्जेक्ट के लिए ही आती है, तो जैसे स्मोकिंग सिगरेट्स कॉज या कॉजेज कैंसर, तो हमने कहा था अब आम बच्चे को समझ लगता है कि शायद सिगरेट से कैंसर हो रहा है, नहीं, कैंसर किससे हो रहा है, स्मोकिंग से. और स्मोकिंग सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो कॉजेज आएगा, कॉज नहीं आएगा. फिर हमने कहा जी नॉन एक्शन सेंटेंस के अंदर हमें टेंशन नहीं लेनी, नॉन एक्शन सेंटेंस के अंदर क्योंकि एक्शन तो कोई होता नहीं है, जिसकी बात हो रही हो, जैसे यहां पे बात हो रही किसकी, ही की, तो ही सब्जेक्ट है, यहां पे इसी की बात हो रही है, वो मेरा भाई है, वो मेरा टीचर है, वो स्मार्ट है, तो यही सब्जेक्ट बनेगा. अब क्या क्या चीज सब्जेक्ट का काम कर सकती है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम बात करें तो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, तो क्या हर चीज सब्जेक्ट बन सकती है, जी नहीं. सब्जेक्ट बनने की जो एक पावर है, एक दिव्य शक्ति जो है, ये सिर्फ किसके पास है, नाउन और प्रनाउन के पास, बस नाउन और प्रनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं. तो बात आज हम बात करेंगे तीन चीजों की, नाउन, प्रनाउन और जिरंड की, ठीक है. आज मैं ये पार्ट कवर करने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे सब्जेक्ट का काम करती हैं. देखिए पहले नाउन की बात कर रहे हैं, मान लो हमने कहा, राम टीचेस स्टूडेंट्स, तो अब देखो राम एक नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर. अगर नाउन सिंगुलर है तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर हो गया, इसीलिए देखो यहां पे v1 plus es फॉर्म लगी है वर्ब की, जो कि सिंगुलर होती है, ठीक है. अभी हमने दिखाया कि ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर सकता है, स्टूडेंट्स लव राम, तो यहां पे ये वर्ब के देखो बाद आ रहा है साथ में, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पे, तो राम तो नाउन है, राम तो नाउन है, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब देखिए इधर प्रोनाउन कैसे काम करता है, देखिए अब मैंने कहा आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, ठीक है. मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, यहां हो सकता है ना दिख रहा हो ये, देखिए मैं यहां लिखा, मैंने लिखा आई नो राम, ठीक है. एक सेकंड, आई नो राम. अब इस सेंटेंस के अंदर आई जो है, आई तो प्रनाउन है, आई क्या है, आई प्रनाउन है, कैसा प्रनाउन है, आई एक सिंगुलर प्रनाउन है. जब ये प्रनाउन सिंगुलर है, ठीक है ना, और अब जब सब्जेक्ट की बात आ रही है तो आई की कहानी होती है,
आई प्रनाउन सिंगुलर होता है, लेकिन जब आई सब्जेक्ट बनता है, जब आई सब्जेक्ट का काम करता है तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल बन जाता है। प्रेजेंट टेंस में कैसा काम करता है? प्लूरल सब्जेक्ट का। और आई पास्ट टेंस में कैसा बन जाता है? सिंगुलर। पास्ट टेंस के अंदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब आई क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ क्या लगाया? वी वन। तो आप आई से सब्जेक्ट का काम ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्योंकि प्रनाउन की अलग अलग फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, तो अलग अलग इनके फॉर्म्स हैं। तो अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर हमने आई लिखा है तो इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट की है, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रनाउन ही आ सकता है। अगर आप यहाँ मी लिखने की कोशिश करो या माई लिखने की कोशिश करो अभी फिलहाल, तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। ऐसे ही जब आप इसको ऑब्जेक्ट वाली साइड लेके जाते हो, जैसे मान लो उन मैंने कहा दे नो मी, तो अब ये ऑब्जेक्ट की जगह है इसीलिए प्रनाउन की ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आई है। अगर आप यहां आई लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर आप यहां आई लिखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। तो ये सिस्टम यहां नहीं बैठेगा, ठीक है जी। तो नाउन और प्रोनाउन की हमने बात कर ली कि नाउन और जब प्रोनाउन की स्पेशली हमने बात करनी है तो प्रोनाउन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, आपने एग्जैक्टली उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। आपने एग्जैक्टली उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, वी वन प्लस आई एन जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपने वी वन प्लस आई एन जी की। वी वन प्लस आई एन जी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर वी वन प्लस आई एन जी जब सेंटेंस में आता है तो इसको क्या माने? इसको हम वर्ब कहें, इसको एडजेक्टिव कहें, इसको नाउन कहें, इसको क्या माने, ठीक है ना। तो अब एक सेंटेंस से ही हम बताते हैं कि एक वी वन प्लस आई एन जी को हमें क्या मानना चाहिए और कैसे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कब काम करता है। तो जब वर्ब, जब वी वन प्लस आई एन जी नाउन की फॉर्म में होगा, ये सिर्फ तभी काम कर पाएगा किसका? जब ये नाउन की फॉर्म में होगा तभी ये काम करेगा किसका? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, जब ये नाउन फॉर्म में होगा। तो है क्या, देखिए, अगर वी वन प्लस आई एन जी को आपने वर्ब का काम करवाना है, अगर वी वन प्लस आई एन जी वर्ब का करवाना है, उसकी एक शर्त है, V1 plus ing के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब लॉजिकल, जो इसके साथ लगती है, जो हेल्पिंग वर्ब V1 plus ing के पहले लग सकती है, अगर वो लगी हुई है तो इसका मतलब वो V1 plus ing जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो वर्ब का ही काम कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर V1 plus ing के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो वर्ब का काम नहीं कर रहा, या तो वो नाउन का काम कर रहा होगा या वो एडजेक्टिव का, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए अब मैंने कहा आई saw a boy singing on stage, ठीक है, या मैं a boy की जगह मान लो मैंने लिख दिया राम, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा I am सिंगिंग हाइमन, हाइमन का मतलब होता है भजन, मैं एक भजन गा रहा हूं जी, ठीक है। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा सिंगिंग इज माय हॉबी। अब आप देखिए सिंगिंग कितनी बार आ रहा है यहां पे, देखो जरा कितनी बार सिंगिंग आ रहा है यहां पे। अब देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार सिंगिंग आ रहा है।
अब यहां देखिए, इस सिंगिंग के पहले ये जो एम लगा है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये वाली सिंगिंग 100% क्या है? वर्ब है। यहां पे सिंगिंग के पहले क्या है? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। यहां पे सिंगिंग के पहले कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब अब इन दोनों में सिस्टम है। अब देखिए, अब सेंटेंस में इज क्या है? एक वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए आ रही है? क्या चीज मेरी हॉबी है? डेफिनेटली ये वर्ब किसके लिए आ रही है? सिंगिंग के लिए। और जो चीज और वर्ब जिसके लिए आती है वो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब सिंगिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और V1 प्लस ING अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो जिरंड कहलाता है। वो उस वक्त एक नाउन का काम कर रहा है और उस वक्त उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जिरंड। ठीक है जी, जिरंड नाम दे दिया हमने। तो V1 प्लस ING के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाली जगह पे बैठा है और उस वक्त हिंदी में मीनिंग उसका ना पर निकलता है, जैसे जो भी वो वर्ब है, जो भी वो V1 प्लस ING है, V1 प्लस ING है तो V1 करना, समझ आ रही है? V1 करना। तो सिंगिंग करना मेरी हॉबी है तो हमेशा एंडिंग ना पे होगी, जिरंड की एंडिंग ना पे होती है। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि आई लव सिंगिंग, अब इसके अंदर भी ये सिंगिंग जो है अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट है, और अगर ये V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट पे आ रहा है तो इसका मतलब ये जिरंड है और अभी भी इसका मीनिंग ना पर ही निकल रहा है। सिंगिंग करना, मुझे पसंद है सिंगिंग करना। ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सौ वर्ब है, अ बॉय या राम इनमें से कुछ भी ले लो, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वाली कुर्सी पे भी कोई आके बैठ गया, ऑब्जेक्ट वाली कुर्सी पे आके भी कोई बैठ गया, यानी इस V1 प्लस ING को ना सब्जेक्ट वाली कुर्सी मिल रही है ना ऑब्जेक्ट वाली मिल रही है। इसका मतलब जिरंड नहीं है, और यहां पे इसका मीनिंग भी करते हुए, V1 करते हुए, इसका मीनिंग किस पे खत्म होता है? आमतौर पर हुए पे, V1 करते हुए, ठीक है ना? V1 करते हुए या जो V1 करे, दो ही मीनिंग निकलते हैं जब भी आप V1 प्लस ING को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, तो जो या V1 करते हुए या जो V1 करे। जैसे अगर आप कहते हो कि ये जॉब बड़ी चैलेंजिंग है तो इसका मतलब जो चैलेंज करे, ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है यानी जो इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, ठीक है? तो अब इस जगह पे ये एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। तो एक चीज होती है जिरंड, एक चीज होती है जिरंड फ्रेज। में थोड़ा सा उसमें भी रोशनी डालता हूं। जैसे अभी हमने कहा सिंगिंग इज माय हॉबी। अब इस सेंटेंस में मेन चीज सिंगिंग ही है, ये जिरंड है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें, यानी अगर आप इसके साथ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, मान लो अगर मैं कहता हूं कि सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, मतलब देशभक्ति गाने गाना, सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स इज माय हॉबी। अब सॉन्ग्स सब्जेक्ट नहीं है, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ध्यान है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सिर्फ एक फ्रेज है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो बात आप बता रहे हो। तो मेन चीज अभी भी यहां पे क्या है? सिंगिंग है, सिंगिंग इज माय हॉबी। तो ये जिरंड फ्रेज हो गया। तो जिरंड फ्रेज अगर सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी कर सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई लाइक सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, ठीक है ना? आई लाइक सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो यहां पे सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, ये पूरा का पूरा क्या है? जिरंड फ्रेज। ये पूरा का पूरा क्या है? जिरंड फ्रेज। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये हिंट क्लियर हो। ऐसे तो कोई मजा नहीं आएगा अकेले समझाने से, ठीक है? ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जरा। V2
वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए. इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आई है हैज, तो ये हैज ऑलवेज बीन, तो हैज से हमें पता लगेगा. हमें इतना पता है कि इस क्वेश्चन में जो वर्ब आई है वो सिंगुलर है. अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, आप मन में सोचिए आंसर, मैं पढ़ रहा हूं आगे. तो बिल्कुल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, ब्लेमिंग है इसका रियल सब्जेक्ट. ठीक है, ये जिरंड है और अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, ये इसके साथ एक फ्रेज लगा है. आप ऐसा कह सकते हो कि ब्लेमिंग से लेके मिस्टेक्स तक सब्जेक्ट है, पर जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, ब्लेमिंग, जिरंड. ठीक है, ये रियल सब्जेक्ट है, यानी दूसरों की मतलब दूसरों पर दोष लगाना गलतियों का, ये हमेशा से ही उसकी क्या रही है, वीकनेस. इसका आंसर देखिए और सोचिए क्या ये करेक्ट है. ग्राइविंग फैमिलीज वर सपोर्टेड बाय द एनजीओ. ठीक है, देखिए अब आप हिंदी बता दी तो फिर वैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो आप सोचिए इसका आंसर, मैं बढ़ रहा हूं आगे. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी पीड़ित दुखी रोती हुई, दुखी पीड़ित रोती हुई फैमिलीज वर सपोर्टेड, उनको सपोर्ट किया गया एनजीओ के द्वारा. ठीक है, तो दुख को तो सपोर्ट नहीं किया होगा, रोती हुई दुखी फैमिलीज को. तो इस वक्त ये जो ग्रीविंग है ये एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसी फैमिलीज. ठीक है ना, मैं अगर यहाँ पे पुअर फैमिलीज लिख देता तो भी चल जाता, यहाँ पे अगर मैं पुअर लिख देता तो भी सेंटेंस चल जाता ना. ठीक है, यानी कुछ लिखना पड़ता मेरे को, सम पुअर फैमिलीज या द पुअर फैमिलीज कुछ लिखते हम तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव जैसा काम कर जाता. एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हैव फोर्स्ड मी टू चूज दिस जॉब. ठीक है, अब आपको देखना है सेंटेंस के अंदर रियल सब्जेक्ट क्या है, वर्ब प्लूरल है ये गारंटी है. तो इसके अंदर अगर तो ये हमारा सब्जेक्ट है फिर तो सेंटेंस सही है, और अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो फिर गलत हो गया. अब आप देखिए. ठीक है, मैं बढ़ रहा हूं आगे. तो बिल्कुल सही है जी, इस सेंटेंस के अंदर गलती कोई नहीं है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज ही यहां पे रियल सब्जेक्ट है, और एक्साइटिंग जो है ये एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है कि एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हैव फोर्स्ड मी टू चूज दिस जॉब, यानी बहुत जबरदस्त मजेदार अपॉर्चुनिटीज ने मुझे फोर्स किया इस जॉब को चूज करने के लिए. चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए ये कल वाली क्लास के ऊपर बेस्ड है, कल हमने जो चीजें कराई थी. अंडर द ब्रिज वॉज सीन टू बेगर फाइटिंग फॉर मनी. कोशिश करिए आंसर देने का, मैं बढ़ रहा हूं आगे. तो गलत है ये, अंडर द ब्रिज, ये मैंने कल भी बताया था, अंडर द ब्रिज कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कहां का जवाब है, और जो चीज कहां का जवाब होती है वो सिर्फ एडवर्ब होती है और एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं होता, कहां का जवाब सब्जेक्ट नहीं हो सकता. तो ब्रिज के नीचे देखे गए, क्या देखे गए, दो बेगर्स तो वाज नहीं वर सीन आएगा. तो आज हमने नाउन प्रनाउन जिरंड जिरंड फ्रेज ये पार्ट हमने कवर कर लिया, इस पर रोशनी कल डालेंगे. सो गाइस, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, सो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. मेरा नाम वोकैब इंग्लिश गुरु है, तो इसीलिए है क्योंकि मैं वोकैब बहुत अच्छे ढंग से कराता हूँ. वोकैब के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस, फनी ट्रिक्स वाले वीडियोस, मतलब आप एक बार वोकैब पढ़ेंगे याद ही हो जाएगी, एक बार वोकैब पढ़ेंगे याद, ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हैं. बस आपको लिखना है कि सेशन वन सेशन टू बाय गौरव धवन सर, रेडी एकदम. ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद.